हेलो अगेन एंड वेलकम टू वंदिताज किचन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नाश्ता। सुबह के टाइम पे हमारे नाश्तों की वैरायटी कभी कभी कम पड़ जाती है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिवई उपमा का नाश्ता। तो चलें देखें व्हाट इज देयर इन द रेसिपी। सबसे पहले हम एज यूजुअल तेल लेंगे, ये हम लेंगे 1 टेबलस्पून। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी राई, सो मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच 1 टीस्पून। राई के ही साथ हम डाल देंगे इसमें कुछ दाने, तो ये दाने हैं उड़द की दाल के। तो ये उड़द की दाल इज़ दैट वाइट छिली हुई दाल जो होती है वो, जैसे ही थोड़ा सा क्रैकल हो फिर हम डालेंगे इसमें चने की दाल। ये सिका हुआ चना है तो ये बहुत जल्दी पक जाएगी, इसमें हल्का सा एक सिकने का अरोमा आएगा। वो जैसे ही आपको अरोमा फील हो आप उसमें डाल दीजिए हरी मिर्च और काजू के पीसेस। ये मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं सारे काजू के, मैंने ऑलमोस्ट 8 से 9 काजू लिए हैं। काजू थोड़े से रोस्ट दिखें उसके बाद हम डालेंगे अनियन। हमारे काजू रोस्ट हो चुके हैं, अब हम डालेंगे अनियन। अनियन मैंने 1 मीडियम साइज अनियन लिया है, उसे छोटे छोटे चॉप कर लिए। साथ ही में हम डालेंगे 1/4 कप कटे हुए गाजर, छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं, और मटर 1/4 कप, ग्रीन पीस। अगर ग्रीन पीस आपको फ्रेश ना मिले तो आप फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें नमक आपके स्वाद अनुसार। आप चाहें तो इसमें रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं, बट हम ये ब्रेकफास्ट में खाने वाले हैं तो हम इसे हल्का कम ही तीखा रखेंगे। इसमें हमने हरी मिर्च ऑलरेडी डाली हुई है। अब डालेंगे हमारे करी पत्ते, ग्रीन बढ़िया से करी पत्ते, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और अब डालेंगे हम पानी, सो मैं इसमें डालूंगी आराम से 1 कप पानी। इसे बॉईल होने दें, हमारी सब्जियां बॉईल हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सिवई। तो सिवई आप देख सकते हैं इट इज़ ऑलरेडी रोस्टेड और ये गेहूं की सिवई है, सो जस्ट पुट इट इन। सिवई हमने 1 कप लिया है और इसे आप चला लें। अब आप इसे ढक लें और 3 से 4 मिनट तक पकने दें। गए हैं रेडी, इट्स नाइस लाइट एंड डिलिशियस। आप भी आपके नाश्ते में ट्राई करिए ये रेसिपी एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट। सो नेक्स्ट टाइम सी यू विद सम गुड रेसिपी विद द ट्विस्ट।